लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कोई घर में होने का कोई है कि नहीं है नजे? अरे अस्सलामुअलैकुम पापा जानी। वालेकुम सलाम। डिस्टेंस रखना, डिस्टेंस रखना। अरे पापा जानी कैसे आना हुआ? ऐसे ही आया, नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं पापा, सही, आप तो आ सकते हैं, आप तो सीमा के अबू हैं, और जो सीमा का अबू है वो तो आ सकता है ना। पागल हो गया क्या, कैसा बात करते तुम? अरे पापा सही, मेरा मतलब है कि जो सीमा के घर का फर्द है उसका तो अपना घर है ना। फिर तो ठीक ना। आपके लिए कुछ लाऊं? अल्लाह का वास्ता, रक्षा नहीं लाने का। अरे नहीं पापा, नहीं उस वक्त तो ऐसे ही बस। अच्छा अच्छा, बात बाद में करने का, एक गिलास पानी पिलाने का। सिर्फ पानी पापा सही, या और कुछ भी? तुमको बहुत जल्दी है ना हमको भगाने का, अभी आया है, पानी पिएगा फिर सोचने का कि क्या खाने का। अरे सही, इसका मतलब है आप तो बड़ी तफसील से आए हो। नहीं, गाड़ी में आया, गाड़ी में। मेरा मतलब है सही के आखिरी सांस नहीं ले रहा, पहले पानी लेकर आओ, बाद में बात करने का। मिला है सही। वेरी गुड। अरे बाबा ये मत करो, कुछ टूट जाएगा। अरे भाई टूटेगा नहीं, एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। अरे बाबा तुम्हें एक्सरे की क्या जरूरत है? बच्चों एक्सरे नहीं, एक्सरसाइज यानी वर्जिश। हाँ बाबा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है बाबा, अब कुछ टूट जाएगा, वैसे भी तुम्हारे पापे आ गए हैं। पापा? पापा वो कहाँ से आ गए? अरे बाबा मुझे क्या पता, अभी मैं उनको पानी पिला कर आ रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना बच्चों? अरे बाबा मैं कैसे जानता हूँ, ये मैं थोड़ी अचानक आ गया हूँ। हाँ ये भी ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ साई ये सब कुछ मत करो, वो देखेंगे तो कहेंगे हम आपसे कितनी मेहनत करा रहे हैं। ओहो बच्चों मेहनत नहीं करी ना मैं, एक्सरसाइज कर रही हूँ यानी वर्जिश, अपने आपको फिट रख रही हूँ ना मैं। हाँ बाबा जो भी है, ये मुझे तो मेहनत ही लग रही है। ओह तुमने कभी की नहीं ना इसलिए। क्या बाबा वरी मेहनत? नहीं बाबा वर्जिश। अच्छा बाबा अच्छा, ये वर्जिश पर प्रोग्राम बाद में कर लेना, अभी तो चलो। हाँ चल रहे चल रहे, तुम जाओ मैं आ रही हूँ ना चेंज करके। ठीक है बाबा, आ जाओ आ जाओ। अंकल एक बात तो बताओ। जरीना कैसे तुम? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। मैं तो नहीं दिया ना। अच्छा किया, तासीर भी तो होनी चाहिए ना बाबा। एक बात तो बताओ। अभी टेंशन में मुश्किल सवाल नहीं करने का। अरे ना ना बाबा, बहुत आसान सवाल है। एक बात तो बताएं, ये जब छोकरियों की शादी होती है तो क्या उनके जेज में उनका अब्बा उनको देते हैं क्या? वो तो वही बताएगा ना जिसका भाई रुखसत होके शहर में आता है, समझ आया? वैसे भी जिनकी बेटियों को मुंह दिखाई में गंध, हमारा मतलब है नंद मिल जाती है, तो क्या हो गया, उनको अगर जेज में अब्बा मिल जाए तो क्या खराबी है? अच्छा मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। खुद तो सर दिन में पढ़ा रहता हूँ। वैसे काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेठ साहब कुछ
परेशान लग रहे हैं। क्या बताएं नगर जी, हमको बिजनेस में लॉस हो गया न जी, तो एक उधारी है जो हमारे पीछे पड़ गया, हमको ढूंढता फिर रहा। बादमास है वो, बादमास। सेठ साहब, मौत तो आपको आ नहीं रही, ऊपर से शर्म भी नहीं आ रही। वहाँ के आप बेटी के घर आ गए, पापा है आप उनके। अभी तो मेरा पापा नहीं बनेगा, तुम जाके जल्दी से मेरे लिए चाय लेके आओ और पापा भी लेके आओ। हद, अच्छे मुशीरों की कोई कदर ही नहीं है। कमाल है। इसको मालूम ही नहीं मैं आदमी थोड़ा खाता तो थोड़ा मिटता भी है। आता नहीं जाता। पापा, आप तो वाकई में आए हुए। जब बेटी शादी के बाद बाप को याद नहीं करने का तो मैं खुद ही आ गया ना। वापस कब जा रहे? बहुत जल्दी है तुमका वापस कब जाने का। तो अब क्या करूं? मेरे इतने अरमान थे कि मैं एक अर्थरोगल जैसे आदमी से शादी करूंगी, आपने मेरे बच्चू जैसे कमार से करा दी, तो बस मेरा भी नाराज हूँ। तेरा नसीब है अब तुम्हें काम करने का, इसी गधे को घोड़े पे बिठाने का और तस्वीरें खींचने का। बिल्कुल तुमको हाथ तो गोले लगेगा। पापा वैसे तो ना कहे, अब तो मेरा शौहर है ना, इज्जत तो करनी पड़ेगी। हम क्या दूध वाले लगते हैं, हम भी तुम्हारे पापा है, लगता है तुम मेरा इज्जत नहीं करती। ऐसी बात थोड़ी, आपकी इज्जत तो सबसे बढ़ के। अच्छा, वेरी गुड, आ गया, अब हमारा इज्जत गया थी। क्या हुआ पापा? बदमाश आ गया हमको लेकर। कौन सा बदमाश पापा? वो बदमाश जो ओए सेठ हशमत, ओए किधर छुप के बैठा है? ओ मेरा पैर निकाल। भाई खुशकी पे कैसे? ओए मेरे जरा बूदा लगी हो, मेरा ताल्लुक बहुत खून खराबे वाले खानदान से है। खून खराबे वाले नहीं, खून चूसने वाले खानदान से है। ओए मुंह संभाल के बात कर, सब जगह हल्का ना लेना मेरे को। मेरे भाई ये बताओ ये कितने? ओ जितने भी हो ढेर कर देंगे। कुछ संगीन लग रहा है। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये बताओ घर कैसे मिला? मेरे आदमियों ने मुझे बताया है कि सेठ हशमत यहीं छुप के बैठा है, और निकाल बाहर, निकाल मेरे पैसे, वरना। वरना क्या? ओ वरना ये देख, ओ तेरी मुंडी मैं धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना, बगैर सर के मेरा धड़ बहुत बुरा लगता है। अब आया ना लाइन पे। इसको अंदर रख लो, इसको अंदर रख लो। वो इसको अंदर नहीं रखेंगे, बाहर निकाल सेठ हशमत को, या मेरे को ले चल उसके पास। हाँ मैं ले चलता हूँ। आओ आओ आओ, इधर 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 ही है। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। सबसे बहुत खतरनाक आदमी। मगर मैं सोच रही थी पापा, अगर हम उसे बात करें, अभी अभी दूध का नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा वक्त दे दे, लौटा देंगे पैसे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे। वो सुनेगा तो बोलेगा ना। क्यों, बहरा है क्या? बहरा भी है और भैंगा भी है, दोनों। अच्छा? सेठ साहब वो आ गया, जाए आप। मैं नहीं जाने का, मैं नहीं जाने का, तुम जाने तो जाओ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा जान जाएगा ना, और तो कुछ नहीं जाएगा ना। कौन है आप? जाने? मैं कौन हूँ? मैं को पता नहीं मैं कौन है। पापा पापा मेरे पापा बैठे, परेशान हो जा रही, तुम जाओ, इतना परेशान कर दिया पापा को, अजीब आदमी हो। पापा परेशान नहीं हो? अरे बाबा टीवी चला कर ये तो बाहर देख रहा है। बाबा टीवी से तुम्हारा कोई वो दुश्मनी है क्या? टीवी चलाकर ओए फड़िया गया, ओए फड़िया गया, ओए सेठ हशमत तू आज पकड़ा गया, निकाल मेरे पैसे। अरे सही छोड़ो मुझे, क्या ताजा ताजा घास का कराया है क्या? हम हशमत नहीं है बाबा, हम बच्चू है। ओए बच्चू ये कौन सा जानवर है? ओए अरे सही तुम क्या चिड़िया घर से आए हैं जो जानवर ढूंढ रहा है? ओए कौन है ओए तू? अरे बाबा हम इस घर का मालिक है, तुम हमारे घर में आया और हमसे ही पूछ रहे हैं हम कौन है। ओ मैं छक्कन हूँ, छक्कन
उस सेठ हशमत ने मुझसे 2 करोड़ लिए थे उधार, अब मिल नहीं रहा, गायब हो गया। अरे सही, तुम्हारा तो नजरे सही से नहीं मिलता है तो तुम्हें कर्जदार कहाँ से मिलेगा? ओए मुझे मशवरा ना दे ओए। अरे सही, तो फिर तुम्हें क्या दे? ओ या तो मेरे 2 करोड़ दे या फिर सेठ हशमत का पता दे। अरे सही, तुम यहीं बैठो, हम तुम्हें सेठ हशमत देता है। ठीक है, पहले ये बगैर दे जाऊंगा मैं, पहले ना मैंने। कुछ तो करना पड़ेगा पापा, ऐसे तो बहुत मसला हो जाएगा। अरे वो आ गया, सही वो आ गया। मालूम है मेरे को, और उसके पास इतना बड़ा चाकू भी है, उसके पास चाकू। आपको कैसे मालूम? वो गुंडा है, गुंडा। वो उधार वसूल करने आया जी, वो हार तो लेके नहीं आएगा, चाकू ही लेके आने का ना उसको। आपको जाना चाहिए, घर आए मेहमान के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए सही। तो तुम एक काम करेगा, तुम हशमत बन के मिल लो। ना सही ना, इस तरह तो सीमा मेरी बेटी हो जाएगी। अगर मैं गया ना तो ये यतीम आ जाएगी ना। सही, आपका वाला तो चल सकता है, मेरा वाला नहीं चल सकता साईं। नहीं करना जी, नहीं करना। अरे ओ भिखारी, अंधे हो क्या? अंदर चले आए हो ऐसे ही? ओए हशमत, ओए तू, ओए लड़कियों की आवाज बना के मेरे को बेवकूफ बना रहा है। अरे क्या हो गया अंधे मुहे? मैं छोकरी हूँ बाबा, छोकरी। ओए छोकरी, क्या हुआ, जलजला आया क्या? हाँ जलजला आया था, और मरकज तेरा कान था। ओए मरकज मेरा दिल बनाओ। बाबा तमीज से बात करी मुझसे, तुझे पता नहीं है मेरे अदा का नाम बच्चू है? बच्चू, हर कोई उससे डरता है। बच्चू? ओए नाम सुना सुना लग रहा है। अरे बाबा, किसने अपनी मौत को आवाज दी है? ओए तू कौन सी गालिब की किताब है जो तुझे याद करे? अरे यही तो है मेरा अदा बच्चू। ओ मेरे साले जी बैठो। अरे अदी जरीना, ये क्या किया है? तू अकल नहीं है क्या? अरे अदा अभी क्या हो गया, अब इतनी भी अंधी नहीं हूँ कि इससे प्यार करूँ या इससे शादी करूंगी। अरे साले साहब, तो बैठो जी, बैठ के बात करते हैं। अरे ऐसा ही, मुझे छोड़ो, तुम सेठ हशमत को ही पकड़ो बाबा। वो कौन सेठ हशमत, दफा करो उसे, चीटर आदमी है वो। आप जैसे ABCD पढ़े लिखे लोग कैसे फंस गए जी उसके चुंगल में? अरे बाबा ये देखता कहीं और है लेकिन बात सच्ची करता है। बाबा मुझे जाना पड़ेगा, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। आप जाओ, आप रुको। अरे चलो अवर ही अंदर। ओ यार कोई इज्जत ही नहीं है। ये कहाँ रह गया बच्चों? जी सही जी। अच्छा भाई तुमने इसको बुला लिया, नहीं तो उसके साथ कॉफी पीने का मूड बना रहा था, कॉफी भी चक्कर ना। तुम क्या वहाँ पे उसके साथ रिश्तेदारियाँ बिगाड़ने गए थे? अरे नहीं सही, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं गाड़ रहा था सही, वो तो वो जरीना को छेड़ रहा था ना। उसने आवाज तो नहीं सुना ना उसका? अरे नहीं सही, उसने जरीना को सुना भी है। बजाय इसके कि आप लोग पुलिस को फोन करके बुलवाएं और गुंडे को यहाँ से उठवाएं, आप लोग जरीना की शादी उसे करवाने की कोशिश करें। नहीं सही नहीं, मैं अभी अभी फोन करता हूँ पुलिस को। नहीं बुलाने का क्यों? वो इसलिए अगर पुलिस को पता लग गया ना तो 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ देना पड़ जाना मेरे को। मेरा मतलब है जुर्माना वगैरह मिला के इतना ही बनेगा ना, मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाने का है, पीछे हटने का। कैसे पापा? हटना हटना। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। Yeah.
अरे सीमा, तुम्हारे पापा के सर में ना दिमाग नहीं है, पापे हैं पापे। मैं नहीं करूंगी उससे शादी, मैं बता रही हूँ। जरीना ऐसे भी क्या करामत आ गई, कर लो ना। देखो फिर उसका कर्जा कौन उतारेगा? अरे साईं, जिसने चढ़ाया वो ही उतारेगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लेन देन से। बच्चू माय डेजी ब्यूटीफुल काउबॉय। अरे सीमा ऐसे नहीं बोलो ना, मैं राजी हो जाऊंगा बाबा उसकी शादी के लिए। पता इस रामा कोला की मोहब्बत में आके ना कर देना। रामा कोला? ओ वो जो बला होती है ना अंग्रेजी फिल्मों में, खून पीने वाली। ड्रैकुला, ड्रैकुला होता है। हमारे में तो जरूरत नहीं है उसको मना करने का जी। और जी मेरी तरफ तो कोई देखना ही नहीं माँ। और दही डर तो मुझे भी बहुत लगता है। मैं उसके चाकू से जरीना, उसके चाकू से। तो मुझे आना है जरीना, औरतों के डरते तुम। तुम सब लोग तो कुछ नहीं करोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गंदे हो तुम लोग सारे के सारे। करके जाना है जरीना। आप परेशान ना हो बाबा। नहीं 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 नहीं, मना लो ना अपनी बहन को। ओए बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो बस। मैं तेरे को पहले बोल चुकी हूँ ना, मैं शादी शुदा हूँ बाबा। क्या? ओए किसने की तुमसे शादी, मुझे उसका नाम बताओ। क्यों, क्या आपने उसका नाम बदलना है क्या? अगर उसने तुझे तलाक नहीं ना दी तो मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। ओए वो अभी कोई ऐसा वैसा नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ उसका नाम भी जानी है। जानी जानी मैं हूँ जानी। भला बताओ उस भेंगे सांड को मेरे पीछे लगा दिया, आखिर मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ। तुम बात मुश्किल से बचा। सेठ साहब आप तो बात ही ना करें, आप जैसे सेठ के साथ काम करने से बेहतर है मैं बेरोजगार ही रहूं। फिक्र नहीं करने का, मेरे पास आला नस्ल का आइडिया है। शुक्र है आपके पास से भी कोई आला नस्ल की चीज आई। जानी तुम पापा का मजाक उड़ा रहे हो। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। सेठ साहब अब प्लान बता भी दें, मेरे कत्ल के बाद बताएंगे आप क्या? इधर आने का। वाह सही वाह, वाह सही वाह, वाह वाह वाह। कौन है चक्कन? ए कौन है? ओए ओए हिम्मत है तो सामने आओ। ओए अंधे इधर खड़ा हो। ओए तूने मुझे अंधा बोल दिया। ओए अब देख मैं क्या करता हूँ। अयो अम्मा। पापा, तूने मेरे पापा का कत्ल कर दिया, मेरे पापा को मार दिया। अरे सही मेरे सुतर को मारा, पकड़ो पुलिस बुलाओ, सही पुलिस बुलाओ, सही पुलिस बुलाओ। क्या पापा क्या? नाच करेगा, नाच करेगा, नाच करेगा। गया मैं तो बच गया। अच्छा इतना बेबाक कातिल है तू, कत्ल करके चाकू हवा में लहरा रहा है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, देखो लाश भी नहीं है कोई। यही तो तू थाने चल के बताएगा कि लाश कहाँ छुपाई है तूने। जानी गया मैं। खट्टा मीठा। फैमिली के साथ आ रही है? नहीं बाबा, फैमिली कहाँ बाबा, अकेली है। अच्छा आने दे, फैमिली यही बना लेंगे। तुमने बचपन के बाद अब देखा है इसको, तुम पहचान ही कैसे इसको? इसकी आवाज और गला वैसे ही है फटा हुआ, तुम्हें तो सब याद है। अरे सही तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़ा रहा? चलो जाओ खीर खिलाने दो कबाब में हटी। शबाना ऐसा लड़का नहीं है। शबाना, शबाना है रुखसाना। अरे अंकल आप डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टर की लाइनें बोलनी है। किरण कैसी लगी तुम्हें? पहले तो मुझे अच्छी लगती थी पर अब जहर लगती है। वो क्यों? हर किसी पर डोरे डाल रही है। बच्चू भाई की मेहमान है तो फिर हमारी भी तो हुई ना। बच्चू जी की वो मेहमान मगर सैलरी ना आपकी मैं नहीं देनी। बच्चू तुमने इनसे शादी की है? क्यों? काश मैं पहले आ जाती। इम्प्रूव ऐसी नहीं मतलब।
मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।